हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पी पाई बॉन्ड्स एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि सर आप सिर्फ हमें ट्रिक्स दीजिए, कोर कंसेप्ट मत पढ़ाइए। लेकिन मेरा क्या मानना है कि अगर आप कोर कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो ट्रिक्स मेंस में तो काम कर जाएंगी, लेकिन एडवांस, एम्स, बिट सेट, इन सब में अगर आपको कोर कंसेप्ट नहीं पता होगा तो अकेले ट्रिक्स के सहारे आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए क्रिकेटर है, ठीक है, बहुत अच्छा रिवर्स स्वीप शॉट खेलता है। ठीक है, अगर वो पूरे मैच में रिवर्स स्वीप शॉट ही खेलता रहे तो वो कितनी देर टिक पाएगा? कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। एक बॉल टिक जाएगा, दो बॉल टिक जाएगा। अगर वो हर एक बॉल पे वही अपना शॉट ट्राई करने की कोशिश करेगा तो वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। ठीक है ना, एक बहुत ही इजी बॉल पे वो आउट हो जाएगा। इसी तरह से केमिस्ट्री में, साइंस में है। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स याद करके जाएंगे, आपको कोर कंसेप्ट नहीं पता होगा, तो आप बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। ठीक है, तो डॉक्टर लॉजिक्स में मैं आपको कोर कंसेप्ट भी टीच करूंगा और साथ में ट्रिक्स भी टीच करूंगा। ठीक है, तो आज पहले हम डिस्कस करेंगे पाई बॉन्डिंग के बारे में। पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, कितने तरह के होते हैं, छोटी सी डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, फिर हम चलेंगे हमारे आज के मेन टॉपिक पी पाई बॉन्ड्स एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स पे। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, पाई बॉन्ड्स क्या होता है? पाई बॉन्ड्स एक ऐसा बॉन्ड जो साइडवाइज ओवरलैप से बनता है। ठीक है, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइडवाइज ओवरलैप, पढ़ाइए। ठीक है, अच्छा जी, चलिए, कितने तरह के वैसे बॉन्ड्स होते हैं? एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। दो तरह की ओवरलैपिंग होती है? नहीं, ओवरलैपिंग तीन तरह की होती है। सोचिए कौन सी तीसरी ओवरलैपिंग है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली ओवरलैपिंग है वो हमारी होती है हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप। मान लेते हैं एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, तो इनके बीच जो ओवरलैप होगी उसको हम क्या नाम देंगे? हेड ऑन ओवरलैप या एक्सियल ओवरलैप। ठीक है, और साइडवाइज ओवरलैपिंग कैसे होती है? वो कुछ इस तरह से होगी। ये पी बॉन्ड, ये भी पी ऑर्बिटल, इनके बीच जो ओवरलैपिंग हुई ये क्या होती है? साइडवाइज ओवरलैप। ठीक है, कितना इजी था। जो हमारा हेड ऑन ओवरलैप होता है उससे हमें कैसे बॉन्ड्स मिलते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स मिलते हैं। और जो हमारा साइडवाइज ओवरलैप होता है उससे हमें कैसे बॉन्ड्स मिलते हैं? पाई बॉन्ड्स मिलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो सिग्मा बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। क्यों? हेड ऑन ओवरलैप हुआ है, बहुत अच्छा स्ट्रांग इफेक्टिव ओवरलैप हुआ है, जबकि साइडवाइज ओवरलैप इतना इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स आपको किस किस मॉलिक्यूल्स में मिलेंगे? H2 में मिल जाएंगे, Cl2 में मिल जाएंगे, HCl में मिल जाएंगे, इन सब में हमें क्या मिल जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स जो साइडवाइज पी पाई बॉन्ड्स हैं, पी पाई बॉन्ड्स, ये हमें कहाँ मिलेंगे? O2 में मिल जाएंगे, C2 में मिल जाएंगे, N2 में मिल जाएंगे। इन सब में हमें कैसे बॉन्ड्स मिलेंगे? पी पाई बॉन्ड्स। ये जो ओवरलैपिंग है ये कैसी है? पी पाई बॉन्ड्स की ओवरलैपिंग। ठीक है, अच्छा जी, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, मान लेते हैं एक पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ऐसा ही होगा। एक पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल यहां पे ओवरलैपिंग हुई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पी पाई डी पाई ओवरलैप। ठीक है, ये आपको कहां मिलेगा? SO2 में मिल जाएगा, SO3 में मिल जाएगा, XCO3 में मिल जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, XCO2, F2, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, इसमें हमें पी पाई डी पाई बॉन्ड मिल जाएगा। अगर हम कंपेयर करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की तो सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होगा। अब पाई बॉन्ड्स में हमने दो क्लासिफिकेशंस कर दी, पी पाई एंड पी पाई डी पाई। तो पी पाई जो ओवरलैप है वो स्ट्रांग ओवरलैप है एज कंपेयर टू पी पाई
डी पाई, ठीक है। क्यों? ये जो है ये फिक्स्ड डंबल शेप की ओवरलैप है, जबकि यहां पे एक हमारा फिक्स्ड डंबल शेप है और जो दूसरा ऑर्बिटल है वो कैसा है? डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अगर आप एक डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल और एक फिक्स्ड डंबल शेप के बीच ओवरलैप कराते हैं तो वो ओवरलैप बहुत ही ज्यादा पुअर होता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड पुअर है, पुअर ओवरलैप है, लेकिन उसमें से भी पी पाई जो बॉन्ड है वो कंपेरेटिवली स्ट्रांग है, किसके कंपेरिजन में? पी पाई डी पाई बॉन्ड के कंपेरिजन में, ठीक है। ये हो गई जो हमारी दो कॉमन ओवरलैप्स हैं। तीसरा ओवरलैप कौन सा है ये सोचिए। जिन्होंने मेरा बनाना बॉन्डिंग का पूरा लेक्चर सुना है उनको पता होगा कि तीसरा ओवरलैप कौन सा है, ठीक है। शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तीसरा ओवरलैप होता है हमारा एंगुलर ओवरलैप, एंगुलर ओवरलैप। इसमें दो ऑर्बिटल्स एक पर्टिकुलर एंगल पे ओवरलैप करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था? जो यहां से बॉन्ड मिलता है, बेंट्स बॉन्ड, ठीक है, बेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंट बॉन्ड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनेना बॉन्ड। अब ये बॉन्ड आपको कहां कहां ऑब्जर्व होता है? ये आपको साइक्लोप्रोपीन रिंग में ऑब्जर्व हो जाएगा, या B2H6 में, या फिर आपको ये ऑब्जर्व होगा B2ME4H2 में, ठीक है। साइक्लोप्रोपीन रिंग्स में ऑब्जर्वड है। अच्छा, अगर हम इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है जो सिग्मा बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है। क्यों? मान लेते हैं दो कार्स हैं हाई स्पीड पे, ठीक है, एकदम आमने सामने आके टकरा जाती है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा उतनी ही ज़्यादा ओवरलैप क्या होती है? अच्छी होती है, अच्छा बॉन्ड बनता है, स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, ठीक है। पाई बॉन्ड में क्या है? साइड वाइज। मान लेते हैं दो कार्स आई, एकदम साइड से टच होके चली गई, बिल्कुल टच हुई और निकल गई, ठीक है। उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी पे स्क्रैचेस आ जाएंगे, इतना नुकसान नहीं होगा, या फिर आपका गाड़ी का साइड मिरर टूट जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, एनर्जी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई, तो बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं बन पाया, ठीक है। जो तीसरा बॉन्ड है वो क्या है? एंगुलर ओवरलैप। एंगुलर ओवरलैप में आप क्या कह सकते हैं? दो गाड़ियां एक एंगल पे आके टकराई, ठीक है, तो नुकसान तो होगा, हेडलाइट्स टूट जाएंगी, लेकिन इतना नुकसान तो नहीं हुआ जितना हेड ऑन ओवरलैप से हुआ था, फ्रंट फ्रंट से ओवरलैप से हुआ था, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये दूसरे नंबर पे आता है, तो सिग्मा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फॉलोड बाय बेंट बॉन्ड, ठीक है, हेडलाइट्स टूट चुकी हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन जो सबसे वीक बॉन्ड है वो कौन सा है? पाई बॉन्ड, ठीक है। क्यों? थोड़ा कम ही एनर्जी का लॉस हुआ है, इतना एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। जब तक एनर्जी का ज़्यादा लॉस नहीं होगा तब तक एक इफेक्टिव ओवरलैप हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? पाई बॉन्ड्स का। अब डिस्कस करते हैं हम पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। चलिए शुरू करते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अगर हम SO2 की बात करें तो सल्फर की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? नियॉन 10 3s2 3p4, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल इसके पास, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है? दो बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई। दो ऑक्सीजन है तो टोटल हमें कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? चार कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन शो करनी है। हर एक कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। याद रखना है कि हर एक कोवलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हमें चार बॉन्ड्स बनाने हैं क्योंकि दो ऑक्सीजन है, तो हमें चार अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जनरेट करने हैं, ठीक है। 3s2 3p4, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं हमारे पास ग्राउंड स्टेट में, लेकिन दो और जनरेट करने पड़ेंगे। तो हमारे पास 3d ऑर्बिटल तो खाली पड़ा है, पूरा का पूरा d ऑर्बिटल खाली पड़ा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो p वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ एक्साइट कर देते हैं? हम d वाले ऑर्बिटल में, ठीक है। तो सल्फर की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? नियॉन 10 3s2 एज इट इज रहा,
3p3 एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया एंड 3d1 यही होगी। ठीक है, तो सल्फर की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में शो कर ली, जिससे हमें चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, मतलब हम चार बॉन्ड्स बना पाएंगे। अब देखिए जो साइड एटम्स हैं इसमें कौन कौन है, सिर्फ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p4, यही है। तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन से दोनों ऑक्सीजन शो कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p4, ऑक्सीजन को दो बॉन्ड्स बनाने हैं और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। अब आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, और सिग्मा बॉन्ड्स जब सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स बन गए तो हम कौन से बॉन्ड्स बनाएंगे, पाई बॉन्ड्स। जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो हम इस तरह से शो करेंगे और जो पाई बॉन्ड्स हैं वो हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी रिप्रेजेंट करेगी सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं फिर पाई बॉन्ड्स बनाने हैं। सबसे पहले हम सल्फर और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा सिग्मा बॉन्ड सल्फर और ऑक्सीजन के बीच, फिर सेकेंड सिग्मा बॉन्ड सल्फर और सेकेंड ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। अब बारी आती है पाई बॉन्ड्स की, दो ही सिग्मा बॉन्ड्स से और दो पाई बॉन्ड्स, तो पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और एक पाई बॉन्ड ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज करके दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कैसा हो गया, सल्फर का कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज किया, पी ऑर्बिटल वाला, और ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड हो गया हमारा पी पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इस पे आ जाइए, सल्फर का कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, डी, और ऑक्सीजन का पी, तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया, पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब SO2 के अंदर एक हमारे पास पी पाई बॉन्डिंग है और एक हमारे पास पी पाई डी पाई वाली बॉन्डिंग है, कितना इजी है, ठीक है। और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, चलिए SO3 डिस्कस करते हैं। अगर हम SO3 की बात करें, SO3 की अगर हम बात करते हैं, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो यही होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब तीन ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन को दो बॉन्ड्स बनाने हैं, तो टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए, छह बॉन्ड्स बनाने हैं, तो मतलब हमें छह अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करने हैं। तो अगर हम सल्फर की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखें तो क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p3 एंड 3d1, लेकिन अभी भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, 3+1 4। तो हम क्या करते हैं, ये s वाला इलेक्ट्रॉन भी किस में ट्रांसफर कर देते हैं, d में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो सल्फर की सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई, नियॉन 10 3s1, इसको ऑर्बिटल डायग्राम में शो कर लेते हैं, 3s1, ठीक है, 3p3 एंड 3d1, ये हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। तो मतलब हमें तीन सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं और तीन पाई बॉन्ड्स बनाने हैं। ऑक्सीजन जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p4, ठीक है। दूसरे ऑक्सीजन का भी 2s2 2p4 और एक और ऑक्सीजन 2s2 2p4, ठीक है। तो पहले हम सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, तो ये रहा हमारा एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनाना था वो बना दिया, और इस इलेक्ट्रॉन से जो तीसरे ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाना था हमने वो बना दिया। अब बारी आती है हमारे पाई बॉन्ड्स की,
ठीक है, अब पाई बॉन्ड्स एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला पाई बॉन्ड, और ये वाला दूसरा पाई बॉन्ड। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फिग्रेशन 3d2 होगी, ठीक है। तो यहां पे जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो तीसरे ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। 3d1 से एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया था, तो कॉन्फिग्रेशन क्या हो गई, 3d2, ठीक है। तो SO3 के अंदर सल्फर ने कितने पी पाई बॉन्ड्स बनाए, पी पाई, और बाकी के दो बॉन्ड्स जो हैं वो पी पाई डी पाई बॉन्ड्स हैं। तो एक हमने बनाया पी पाई बॉन्ड, और दो हमने बनाए पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, ठीक है। कितना इजी है देखिए, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ एक आधा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं XCO3, ये डिस्कस कर लेते हैं। जो जिनॉन की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 5s2 5p6, यही है, ठीक है। लेकिन हमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं, कितने पाई बॉन्ड्स बनाने हैं, टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, ये चेक कीजिए। तीन ऑक्सीजन से तो 6 बॉन्ड्स हमें क्रिएट करने हैं, 6 बॉन्ड्स मतलब 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए जो 5d ऑर्बिटल हमारा पूरा का पूरा खाली पड़ा है, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को जो पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही है पी ऑर्बिटल 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स पेड है। तो हम तीनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा के कहां शिफ्ट कर देते हैं, डी में शिफ्ट कर देते हैं। तो जिनॉन की जो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गई वो क्या हो जाएगी, 5s2 5p3 एंड 5d3, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर दिए, कितना इजी है। उसके बाद ऑक्सीजन में ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज होगा पहले ऑक्सीजन के सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यूज होगा दूसरा ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ये वाला तीसरे ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमने यूज किए सिग्मा बॉन्ड्स के लिए। अब पाई बॉन्ड्स की बारी, तो पाई बॉन्ड्स में ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो हमारे पास तीनों के तीनों जो पाई बॉन्ड्स आए वो कैसे आएंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, क्यों, डी इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, ठीक है। ठीक है, कितना इजी है पी पाई डी पाई बॉन्ड्स को फाइंड आउट करना। और आप अगर पास्ट ईयर उठा के देखें तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस कंसेप्ट पे, ठीक है। जेई एडवांस में हो, चाहे वो बिट सेट में हो, चाहे वो एम्स में हो, XCO3 XCO2 F2, इन सब में तो बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। अगले पार्ट में, अगली वीडियो में जो मैं कल अपलोड करूंगा, उसमें हम डिस्कस करते हैं इसके ट्रिक मेथड के बारे में, ठीक है। आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इतना लंबा मेथड नहीं करना पड़ेगा, विद इन 5 to 6 सेकेंड्स आप नंबर ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है।